Hello everyone. How are you all? Welcome to Ecoso. In the previous lecture we have studied law of diminishing marginal utility. And now we are going to learn next law of Gaussian, which is also called as the law of equimarginal utility. तो लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के बहुत सारे अल्टरनेटिव नेम्स भी हैं और आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो या कोई अदर एग्जाम हो उसके लिए ये सारे नेम्स अच्छे से याद रखने क्योंकि एग्जाम में कोई भी नाम से क्वेश्चन आ सकता है तो आपको पता होना चाहिए सबका मतलब एक ही है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी क्या नाम से देखते हैं प्रोपोशनैलिटी रूल लॉ ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लॉ ऑफ सब्सटीट्यूशन लॉ ऑफ इनडिफ्रेंस गोसेंस सेकेंड लॉ एंड कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम ना we'll has सी it. मार्शल to Marshall, if अकॉर्डिंग टू मार्शल a thing पर्सन he can put to several uses, he will distribute it among these uses in such a way as to get the maximum satisfaction. इसका मतलब है किसी भी पर्सन के पास अगर कोई चीज है कोई चीज़ हम लोग कंसिडर करते इनकम तो वो अपनी ये चीज़ यानी कि अपना ये इनकम अलग अलग यूज में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उससे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हासिल हो नाउ वी विल स्टार्ट विद एन एग्जाम्पल सपोज मेरे पास दो हजार रुपए है जिसमें मुझे एक वॉच और एक ड्रेस खरीदनी है तो मैं क्या करूंगी मेरा जो बजट है अभी लिमिटेड है सिर्फ 2000 दो हजार रुपए दो चीजें परचेस करनी है तो मैं दो हजार रूपए दोनों के लिए ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करूंगी कि दोनों के परचेज से मुझे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले यही बोला गया है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में और इसके लिए मैं क्या करूंगी मैं दोनों कमोडिटीज की मार्जिनल यूटिलिटी उसकी प्राइस से मैच करके देखूंगी। मीन्स मैं देखूंगी कि मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए डिवाइडेड बाय प्राइस ऑफ़ ए यहाँ पे ए सपोज ड्रेस है तो ड्रेस से जितनी मार्जिनल यूटिलिटी मिलती है वो डिवाइडेड बाय ड्रेस का प्राइस इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी के नीचे प्राइस ऑफ बी तो मैं जो रेशो है ये रेशो कैलकुलेट करूँगी और अगर ये रेशो इक्वल हो जाता है मतलब जितना मनी मैंने ड्रेस पे स्पेंड किया है उसका ड्रेस के प्राइस से होने वाला रेशो जितना रुपीस मैंने वॉच पे स्पेंड किया है उसका वॉच के प्राइस से जो रेशो है वो जिस पॉइंट पे इक्वल है वहाँ पे मुझे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिलेगा यहाँ पे हम लोग ने एक प्रोपोशन लिया है रेशो लिया है इसकी वजह से इसे प्रोपोशनैलिटी रूल कहा जाता है इसी तरह से जब भी कोई हाउस होल्ड यानी कि आपके पापा जो मंथली उनका इनकम आता है सैलरी आती है सैलरी आने के बाद वो पूरी सैलरी वो अलग अलग यूज़ में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि जिसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले जैसे कुछ अमाउंट हाउस रेंट होगा लाइट बिल है देन मंथली ग्रॉसरी है आपका एजुकेशन एक्सपेंडिचर है कुछ सेविंग्स रहेगी तो ये सब चीज़ों के ऊपर वो अपना इनकम इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले तो यहाँ पे अगर हम लोग ये वाला एग्जाम्पल देखते हैं कि मंथली इनकम कैसे स्पेंड किया जाता है तो सिर्फ दो कमोडिटीज नहीं रहते तो हम लोग इसे कंटिन्यू करके बोल सकते हैं प्लस एमयू एन डिवाइडेड बाय प्राइज ऑफ एन मीन्स देर नंबर ऑफ कमोडिटीज विच वी आर गोइंग टू एड इन दिस वन हियर इक्वल्स टू आएगा नाउ आई एम टेकिंग टू कमोडिटीज कमोडिटी ए एंड कमोडिटी बी सपोज़ मुझे कमोडिटी ए से सैटिस्फैक्शन जो मिल रहा है वो ज़्यादा है और कमोडिटी बी से मिलने वाला सैटिस्फैक्शन कम है तो ऐसे समय में मैं क्या करूँगी कि जो मनी मैंने कमोडिटी बी पे स्पेंड किया है वो मनी वहाँ से विड्रॉ करके मैं कमोडिटी ए की ज़्यादा यूनिट्स परचेज करूँगी इससे क्या होगा ए की ज़्यादा यूनिट्स परचेज करने की वजह से उसकी मार्जिनल यूटिलिटी डिक्लाइन होती जाएगी एंड यहाँ yeah, यूनिट्स कम होते जाने की वजह से इसकी भी मार्जिनल यूटिलिटी इंक्रीज होती जाएगी और मैं कंटिन्यूली सब्सटिट्यूट करती जाऊंगी जब तक मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ ए इज इक्वल्स टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी नहीं होती मतलब जब तक यह रेशो सेटिस्फाई नहीं होता तब तक ये मैं सब्सटिट्यूशन करती जाऊंगी हियर द रीज़न फॉर द लॉ ऑफ सब्सटिट्यूशन नेक्स्ट हम लोग ये थियरी एक चार्ट के थ्रू देखेंगे और फिर कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम की थ्री कंडीशन भी हम लोग कंप्लीट करेंगे नाउ वी विल स्टार्ट विथ एन एग्जाम्पल इन दिस एग्जाम्पल वी हैव गिवन नंबर ऑफ यूनिट्स देन द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए एंड मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी देखो कमोडिटी ए एंड बी दोनों की मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पे डिक्लाइन होती जा रही है क्योंकि लॉ ऑफ डी एम यू एक्सपीरियंस हो रहा है देन हमें कंज्यूमर का बजट दिया हुआ है जो है ट्वेल्व रुपीज मतलब कंज्यूमर ट्वेल्व रुपीज कमोडिटी ए एंड बी पर इस तरह से स्पेंड कर रहा है कि उसे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले या फिर उसे इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी मिले कमोडिटी ए की प्राइस है रुपीज टू कमोडिटी बी की प्राइस है रुपीज वन हियर वी विल सी द फर्स्ट कंडीशन ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम विच स्टेट्स दैट द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए टू इट्स प्राइज इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी बी टू इट्स प्राइज क्वल टू एम यू बी बाई पी बी अभी कंडीशन इस एग्जाम्पल में कहाँ पे कहा होती है तो फोर्थ यूनिट पे कैसे होती है वो हम लोग अभी देखेंगे सी, फोर्थ यूनिट में कंज्यूमर की जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ कमोडिटी ए है वो कितना है फोर्टी कंज्यूमर ने अगर फोर यूनिट्स परचेज किए और एक यूनिट की प्राइस ए के टू सो फोर टू जै एट इज इक्वल्स टू एम यू बी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ बी यहाँ पे ट्वेंटी ओके okay. और बी के फोर यूनिट्स परचेस करने हैं तो कंज्यूमर को कितने रुपए लगेंगे फोर रुपीज बिकॉज वन इज द प्राइस वन इंटू फोर फोर तो यहां पे अगर रेशियो हम लोग लास्ट स्टेज में देखते हैं तो क्या आंसर आएगा फाइव यहाँ पे भी आएगा फाइव So it means first condition is satisfied at the unit 4. Now second condition. Second condition states that the marginal utility of A divided by marginal utility B is equals to the price of A divided by price of B. Again, values put karte hem Marginal utility of A is given 40 at this point at the fourth unit. And marginal utility of B is 20. सो so, 40 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल्स टू प्राइस ऑफ ए है टू प्राइस ऑफ बी वन सो टू डिवाइडेड बाय वन आंसर क्या आएगा 40 डिवाइडेड बाय 20 टू इज इक्वल्स टू टू मतलब यहाँ पे सेकेंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो रही है नाउ द थर्ड कंडीशन इज दैट कंज्यूमर मस्ट स्पेंड हिज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ दिस टू कमोडिटीज तो ये हम लोग देखते कैसे सेटिस्फाई होती है इकोनॉमिक्स में वाई हम लोग हमेशा इनकम शो करने के लिए यूज करते तो वाई मीन्स इनकम जो इनकम हम लोग को दिया हुआ है ट्वेल्व रुपीज प्राइज ऑफ इज टू ए ए मीन्स क्वांटिटी ऑफ ए कितना है फोर प्लस प्राइज ऑफ बी हम लोग को दिया हुआ है वन इंटू क्वांटिटी ऑफ बी इज फोर सो आंसर क्या आएगा देखो टू इंटू फोर एट प्लस फोर वन ज फोर फोर एट प्लस फोर तो यहाँ पे आंसर आ रहा है ट्वेल्व मीन्स कंज्यूमर अपना एंटायर इनकम ये दो कमोडिटीज के परचेस के लिए स्पेंड कर रहा है सो so, इस तरह हम लोग देखते हैं कि हमारे जो तीन कंडीशन है इक्विलिब्रियम की वो तीनों कंडीशन इस एग्जाम्पल में फोर्थ यूनिट पे सेटिस्फाई हो रही है सो हियर इट इज द इक्विलिब्रियम पॉइंट हियर द कंज्यूमर अचीव मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन नाउ वी विल सी डायग्राम इन दिस डायग्राम एक सेक्सिस के एक पार्ट पे हम लोग ने शो किए यूनिट्स ऑफ कमोडिटी ए एंड दूसरे पार्ट में हम लोगों ने यूनिट्स ऑफ कमोडिटी बी शो किए देन y एक्सिस पे एक पार्ट में एम यू ए डिवाइडेड बाई पी एंड अदर पार्ट है एम यू बी डिवाइडेड बाई पी बी यहाँ पे हमारे पास दो पॉइंट है पॉइंट ए एंड पॉइंट बी जहाँ पे हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशन सेटिस्फाई होती है बिकॉज यहाँ पे दोनों कमोडिटी की यूनिट सेम है दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है इसीलिए हमारे जो फर्स्ट कंडीशन है दैट इज एम यू ए अपॉन पी ए इज इक्वल टू एम यू बी अपॉन पी बी ये कंडीशन इस डायग्राम में सेटिस्फाई हो रही है क्योंकि यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी का एंड प्राइस का रेशियो सेम है जो हमें इस लाइन से पता चलता है देन सेकेंड कंडीशन इज दैट एम यू ए अपॉन एम यू बी इज इक्वल टू पी ए अपॉन ये कंडीशंस भी यहाँ पे सैटिस्फाई हो रही है क्योंकि मार्जिनल यूटिलिटीज दोनों के भी सेम है यूनिट्स भी सेम है यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी कर्ज का स्लोप सेम है इट मींस दोनों से मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी भी सेम है सेम टाइम में अगर ये मार्जिनल यूटिलिटीज़ का प्राइस से अगर रेशो लेते हैं तो वो भी सेम ही आएगा एंड थर्ड कंडीशन कंज्यूमर स्पेंड्स इज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटीज इज ऑल्सो सेटिसफाइड या पे कंज्यूमर क्या चेक करता है कि उसने जितना अमाउंट कमोडिटी ए पे स्पेंड किया है वो वर्थ है या नहीं है या फिर जितना अमाउंट उसने कमोडिटी बी पे स्पेंड किया है वो उतना वर्थ है या नहीं है सो एम यू ए रुपीज वर्थ ऑफ ए इज इक्वल टू एमयू बी रुपीज वर्थ ऑफ बी तो ये कंडीशन यहाँ पे सेटिस्फाई होनी चाहिए सेम वे दिस इज सब्जेक्ट टू कंज्यूमर स्पेंट्स इज एंटायर इनकम ऑन द परचेज ऑफ टू कमोडिटीज सो वाई इज इक्वल्स टू पी ए इंटू ए प्लस पी बी इंटू बी आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझा होगा नाउ नेक्स्ट वी विल सी लिमिटेशन ऑफ दिस थियोरी द फर्स्ट वन इज द इम्परफेक्ट नॉलेज एज अ कंज्यूमर क्या हमें मार्केट के हर एक कमोडिटी का परफेक्ट नॉलेज हो सकता है नहीं होता है तो इसी वजह से ये लॉ इनऑपरेटिव बन जाता है क्योंकि कंज्यूमर को मार्केट का एग्जैक्ट नॉलेज नहीं रहता है बहुत बार कौन सी कमोडिटीज मार्केट में अवेलेबल है उनके प्राइजेस क्या है इसके बारे में हमें कोई भी नॉलेज नहीं रहता है देन सेकेंड इज़ गुड्स आर इनडिविजिबल अभी यहाँ अज्यूम क्या किया कि गुड्स डिविजिबल है मतलब कोई भी कमोडिटी हम लोग छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं हाँ कुछ चीज़ों के बारे में पॉसिबल है बट सोचो अगर हम लोग टेलीविज़न परचेस करते हैं तुम लोग टेलीविज़न पार्ट्स में डिवाइड करके यूज़ कर सकते हैं नॉट पॉसिबल क्योंकि टेलीविज़न हम लोग एक लॉन्ग पीरियड तक यूज़ करते हैं तो ऐसे बल्कि कमोडिटीज़ के बारे में ये लॉ एक्सपीरियंस नहीं हो सकता क्योंकि हम लोग वो स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड करके यूटिलिटी मेजर नहीं कर सकते देन थर्ड इज चॉइसेस अनसर्टन मतलब मार्केट में हमारे लिए जो चॉइसेस अवेलेबल है वो सर्टन है निश्चित है ऐसा यहाँ पे अज्यूम किया है जैसे कि कितनी कमोडिटीज़ हैं उसका प्राइस के सब निश्चित है बट मार्केट में हम लोग हर बार जाते कुछ ना कुछ नया हम लोग को देखने को मिलता है मतलब मार्केट में हमेशा न्यू कमोडिटीज़ आती रहती है तो चॉइसेस सर्टन कैसे हो सकती है ना दिस टाइम अगर मैं मार्केट में कुछ कमोडिटी परचेस करती हूँ और नेक्स्ट टाइम उसका कोई अच्छा अल्टरनेटिव मिलता है तो मैं वो परचेस करूंगी इट मीन्स वॉट कंज्यूमर की चॉइसेस अनसर्टन है निश्चित नहीं है देन कंज्यूमर इज़ इेशनल कंज्यूमर रैशनल होता है मतलब क्या कि कंज्यूमर जब भी कोई कमोडिटी परचेस करता है तो उसकी यूटिलिटी मेजर करता है देन उसकी प्राइस देखता है फिर रेशो निकाल के फिर डिसाइड करता है ओके इज़ दिस पॉसिबल कि हम लोग कभी ऐसे करते कि चलो सुपरमार्केट में गए सब कमोडिटीज़ का यूटिलिटी नोट डाउन करो फिर प्राइस नोट डाउन करो रेशो कैलकुलेट करो इट्स नॉट पॉसिबल कंज्यूमर इज़ नॉट रैशनल कंज्यूमर इतना कभी भी कैलकुलेटिव नहीं रहता कि हर एक कमोडिटी का यूटिलिटी चेक करे मेजर करे फिर परचेज करने का डिसीजन ले देन नेक्स्ट इज नो फिक्स अकाउंटिंग पीरियड कि अगर हम लोग यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं किसी कमोडिटी के लिए तो कौन से पीरियड तक हम लोग यूटिलिटी कैलकुलेट कर रहे हैं फॉर वन आवर और वन डे और वन मंथ और वन ईयर ये फिक्स नहीं है सपोज़ अगर हम लोग वन मंथ भी लेते हैं तो कुछ कमोडिटीज़ ऐसे कि जो हम लोग सालों साल यूज़ करते जो जैसे टी वी पाँच साल छः साल यूज़ किया राइट तो इसके लिए कोई भी फिक्स अकाउंटिंग पीरियड नहीं है तो कैसे कैलकुलेट करे कि कितना यूटिलिटी है कितना सेटिस्फैक्शन मिला है जैसे एक महीने के बजट में अगर कोई कंज्यूमर टी वी भी परचेज़ करता है कुछ सेविंग्स यूज करके कुछ करंट इनकम यूज़ करके और बाकी कमोडिटीज़ भी यूज़ करते तो रेशू निकालना तो पूरी तरह से मुश्किल हो जाएगा देन नेक्स्ट इज़ यूटिलिटी इज़ नॉट मेजरेबल यूटिलिटी इज मेजरेबल ऐसा हम लोग ने अज्यूम किया है बट यूटिलिटी इन रियालिटी में मेजरेबल नहीं है हम लोग एग्जैक्टली exactly कौन सी कमोडिटी से कितनी यूटिलिटी मिलती है वो मेजर नहीं कर सकते कमोडिटी भले डिविजिबल हो या इनडिविजिबल हो इट्स कम्पलीटली डिफिकल्ट सेकेंडली वो पर्टिकुलर कमोडिटी की मेरी जो इंटेंसिटी है वो भी चेंज हो सकती है ना मतलब अगर बहुत बारिश हो रही है तो छाते की यूटिलिटी ज़्यादा है वही ठंडी का पीरियड तो तक की यूटिलिटी जीरो हो जाएगी इट मींस वॉट जो यूटिलिटी है वो हम लोग एग्जैक्टली exactly मेजर नहीं कर सकते दो इज लॉ इज़ हैविंग सो मैनी लिमिटेशंस फिर भी इसके जो प्रैक्टिकल यूजफुलनेस है और एप्लीकेशन है वो कम नहीं होते हम लोग देखते कि ये एक बेसिस है कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर के लिए क्योंकि नॉर्मली कंज्यूमर जब मनी स्पेंड करता है तो वो हमेशा ये थोड़ा बहुत तो सोचता है ये मन में कि कितना यूटिलिटी मिलेगा कहाँ पर कितना स्पेंड करना चाहिए उसके अकॉर्डिंग ही कंज्यूमर अपना बजट प्लान करता है देन सेकेंड इज बेसिस ऑफ सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट कंज्यूमर जब भी अमाउंट सेव करता है देखो अगर मैंने कुछ अमाउंट आज सेव किए इसका मतलब मैं फ्यूचर के लिए वो यूज़ करने वाली हूँ इसका मतलब मैं आज उसका यूज नहीं कर रही हूँ उससे जो मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी है वो मैं आज फॉरगो कर रही हूँ राइट right? तो कंज्यूमर क्या करेगा इसमें अपनी मनी इनकम को प्रेजेंट एंड फ्यूचर यूज़ में इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि दोनों से उसे मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन मिले मतलब अगर वो फ्यूचर के लिए सेव कर रहा है तो आज मार्जिनल यूटिलिटी फॉरगो कर रहा है या फिर अगर वो आज ज़्यादा स्पेंड कर रहा है तो फ्यूचर की जो सेविंग है वो फॉरगो कर रहा है तो इसके लिए वो बैलेंस करने के लिए ट्राई करता है एंड अकॉर्डिंगली पर्सन सेविंग करके वो अमाउंट इन्वेस्ट भी करता है कि जिसके थ्रू उसे मैक्सिमम रिटर्न मिले देन इन द फील्ड ऑफ प्रोडक्शन कोई भी प्रोड्यूसर है उसका मेन एम क्या है मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करना है सपोज उसके पास कुछ लेबर एंड कुछ कैपिटल अमाउंट है तो क्या करेगा सपोज लेबर से उसे ज्यादा यूटिलिटी मिल रही है ज्यादा मार्जिनल रिटर्न्स मिल रहे हैं और कैपिटल से रिटर्न्स कम मिल रहे हैं तो क्या करेगा कुछ कैपिटल से मनी अमाउंट विड्रॉ करके वो लेबर पे स्पेंड करेगा और वो तब तक ये सब्सटिट्यूशन जारी रखेगा जब तक दोनों से उसे इक्वल मार्जिनल रिटर्न्स नहीं मिलते हैं मतलब ये लॉ यहाँ पे भी एप्लीकेबल है देन इन द फील्ड ऑफ एक्सचेंज एक्सचेंज मीन्स जैसे कि कमोडिटी हम लोग परचेज करते हैं या फिर पुराने जमाने में बार्टर ट्रेड था वस्तु के बदले में वस्तु परचेज की जाती थी तो इसमें भी ये लॉ एप्लीकेबल है अगर कोई इंसान दो वस्तु एक्सचेंज कर रहे हैं तो उसमें भी वो मार्जिनल यूटिलिटी देख के ही एक्सचेंज रेट डिसाइड होता है सेम वे अगर हम लोग कोई कमोडिटी परचेज करते हैं तो हम लोग देखो बहुत बार हम लोग मार्केट में बोलते नहीं भैया कुछ भी प्राइस बोल रहे हो आप इसका मतलब क्या कि कमोडिटी की यूटिलिटी कम है आप प्राइस ज़्यादा बोल रहे हो तो हम लोग ये हमेशा चेक करते हैं यूटिलिटी इन द एक्सचेंज एल्सो देन नेक्स्ट इज फॉर डिटरमाइनिंग प्राइजेस प्राइस डिटरमाइन करनी है जनरली स्केर्स गुड की प्राइस क्या रहती है हाई रहती है और एबुंडन गुड की प्राइस कम रहती है तो ऐसे समय में कंज्यूमर क्या कर सकता है एबिंड गुड्स स्केयर्स गुड्स के लिए सब्सटीट्यूट कर सकता है अगर पॉसिबल है तो एंड इस तरह वो मार्जिनल यूटिलिटीज भी इक्वल कर सकता है द नेक्स्ट इज इन द फील्ड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डिस्ट्रीब्यूशन इकोनॉमी के स्केय रिसोर्सेज से अलग अलग एरियाज में डिस्ट्रीब्यूट करने तो गवर्नमेंट क्या करेगी अकॉर्डिंगली उसके पॉलिसीज डिजाइन करेगी कि हर एक सेक्टर में जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो मैक्सिमम मिले और प्रोड्यूसर अगर प्रोड्यूसर के पास रिसोर्सेज लिमिटेड है तो क्या करेगा अलग अलग फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन पे इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करेगा कि उन सब से उसे इक्वल मार्जिनल रिटर्न मिले और द नेक्स्ट इज इन द पब्लिक फिनांस गवर्नमेंट को जब भी टैक्स पॉलिसी इंप्लीमेंट करनी होती है तो गवर्नमेंट क्या करता है हर एक पर्सन का इनकम देख के उसके अकॉर्डिंग टैक्स चार्ज करता है जैसे कि हमारे यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन सिस्टम है जैसे इनकम बढ़ता है टैक्स ज्यादा पे करना पड़ता है इसमें गवर्नमेंट क्या ट्राई करता है कि हर एक टैक्स पेयर का जो मार्जिनल सेक्रीफाइस है वो इक्वल हो आई होप आपको ये सारे पॉइंट्स अच्छे से समझे होंगे लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी के एजम्स के लिए आपको आई बटन में एक लिंक है ऊपर वो देखना है जहाँ पे हम लोग ने कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस के देखे वही एजम्स इसके लिए भी सेम एप्लीकेबल है सेम टाइम उसी लिंक में आप लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का वीडियो भी देख सकते हो आई होप आपको आज का टॉपिक अच्छे से समझा होगा प्लीज सब्सक्राइब टू इकोसो थैंक यू एंड टेक केयर